वेलकम बैक टू लाइफ गाइस, वेलकम इन अदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेसिकली एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी की पोस्ट के लिए। और अगर आप एमपीपीएससी या असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के प्रिपरेशन कर रहे हैं और करना चाहते हैं तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। आप मध्य प्रदेश के पीसीएसपीएससी के थ्रू जो अभी रिक्रूटमेंट आई हुई है जूलॉजी और बॉटनी की वैकेंसी के लिए, आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लास्ट डेट आपका कब है और क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके पास होना चाहिए और क्या उसका सिलेबस है, कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। राइट, तो देखते हैं बेसिकली क्या क्या आपका उस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कब आपका उसका डेट है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इनका जो लास्ट डेट है वो इस तरीके से कुछ है। स्टार्टिंग का जो डेट होगा फॉर्म का वो 12 अप्रैल है, सो फॉर्म भराना शुरू हो गया है और 11 मई तक आपका क्या होगा लास्ट डेट रहेगा। सो नियरली 1 मंथ का क्या है एप्लीकेशन फॉर्म का डेट है, सो 12/4/2023 से लेकर के बेसिकली 11/5/2023 तक का आपका डेट है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म के स्टार्ट होने की डेट है, मीन्स एप्लीकेशन फॉर्म का पोर्टल ओपन हो चुका है और आप अप्लाई कर सकते हैं पोर्टल पे जा करके, एमपीपीएससी के पोस्ट पोर्टल पे जा करके। और इनका जो लास्ट डेट है वो बेसिकली क्या है, 11 तक है, मई तक। ओके, और बाकी जो डिटेल्स हैं कुछ इस तरीके से आपको दे रखा है। जो एज का कैलकुलेशन किया जाएगा वो 1 जनवरी 2023 को किया जाएगा और इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो 40 ईयर्स का होना चाहिए। और नेक्स्ट इसके बाद आपको यहाँ पे इनका जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है वो हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट होना चाहिए जूलॉजी की पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स हैं वो बेसिकली यूआर कैटेगरी में कितनी हैं, 50 हैं। तो जो लोग भी मध्य प्रदेश के हैं वो कैटेगरी जनरल कैटेगरी वाले वो, और बाकी जितने भी अदर स्टेट्स के लोग अप्लाई करेंगे वो सभी के सभी इस कैटेगरी से बिलोंग करेंगे यूआर वाले से, तो उनके लिए क्या है 50 सीट्स हैं। बाकी मध्य प्रदेश के जो एससी कास्ट के होंगे उनके लिए 6 है, एसटी वालों के 37 है, ओबीसी वालों के लिए 15 हैं और ईवीएस वालों के लिए 7 हैं। तो कुल टोटल 115 सीट्स हैं इस जूलॉजी पोस्ट के लिए। सो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा नंबर में सीट्स आई हुई हैं, तो अच्छा खासा एक एग्ज़ाम हो सकता है आपके लिए। और अपॉर्चुनिटी भी है कि आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए और वेट कर रहे हैं, जैसे अभी यूपीएचएससी का फॉर्म अपने फिल किया होगा जूलॉजी वाले, तो वो लोग उनके लिए भी ठीक है कि उसी का सिलेबस मोर ऑर लेस सेम सिमिलर है और आप उस फॉर्म को फिल करके अभी अच्छे से तैयारी करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। बाकी जैसा कि आप जानते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो एमएससी होना चाहिए और आपकी एमएससी में 50-55% आपका मार्क्स होना चाहिए, साथ साथ आपके पास नेट की डिग्री भी होनी चाहिए, मीन्स नेट का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अभी देखेंगे हम लोग यहाँ पे इसके बारे में। तो यहाँ पे इस पोस्ट के लिए कुछ डिटेल्स आपको दे रखा है कुछ इस तरीके से, जैसे लाइक आपका विभाग का नाम है एमपीपीएससी का उच्च सेवा विभाग, मतलब हायर एजुकेशन के लिए है, और पद जो होगी वो परमानेंट होगी यहाँ पर आपको दिखा रखा है, और बाकी जो सैलरी होगी स्टार्टिंग से ही रहेगा, इसके बाद आपका बाकी उनका जो भी लगता है वो आगे का उनके सैलरी पर, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे अप्लाई होंगी। बाकी आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए वही दे रखा है, आपका नेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए और मास्टर डिग्री होनी चाहिए। मास्टर डिग्री में आपके विषय में बेसिकली 55% होना चाहिए। तो जो भी आपका मास्टर डिग्री है क्या क्या हो सकता है भी वो देखेंगे यहाँ पे। तो फिर एमएससी आपकी जो होगी वो 55% के होना चाहिए आपका, साथ साथ में आपका मीन्स इसके प्लस आपके पास नेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो आपके पास नेट LS है वो भी चलेगा, और अगर आपके पास JRF है तो वो भी चलेगा। तो नेट का सर्टिफिकेट प्लस MSc आपकी 55% से होनी चाहिए। आपने अगर UEC नेट क्वालिफाई कर रखा है तो भी चलेगा, CSIR नेट क्वालिफाई किया है तो भी चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से वो सब्जेक्ट हैं जिसमें कि आप जिनके लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अगर आप सपोज जीव विज्ञान के लिए, वनस्पति विज्ञान के लिए दे रहे हैं, तो लाइफ साइंस में UC एग्ज़ाम कराता है या CSIR कराते हैं, आप उनके एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। राइट, यहाँ पे दिया हुआ सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन कि जूलॉजी पोस्ट को अप्लाई करने के लिए जो जिन लोगों की MSc अगर इतने सारे सब्जेक्ट में से किसी में से भी है, जैसे लाइक गैस फिशरी में अगर आपकी MSc स्पेशलाइजेशन है, एक्वा कल्चर में है, इन्वायरमेंटल साइंस में है, और इम्यूनोलॉजी में है, या फिर इंटमोलॉजी में है, या फिर बायोटेक्नोलॉजी में है, या फिर बायो साइंस में है, जेनेटिक्स में है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में है, लाइफ साइंस में है, या जेनेटिक इंजीनियरिंग में है, इनमें से किसी सब्जेक्ट में अगर आपकी MSc है, राइट, तो आप इस MSc के सब्जेक्ट के सर्टिफिकेट के बेसिस पे प्लस
नेट के सर्टिफिकेट के बेसिस पे आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो जूलॉजी पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मीन्स एपी के लिए सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो ये है, इन 11 सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने एमएससी किया हुआ है और आपके 55% एमएससी में अगर मार्क्स हैं 55% तो, और इसके बाद अगर आपके पास नेट है तो आप आसानी से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं, राइट। यहाँ पे अच्छे से आपको दे रखा है कि जो अलाइड सब्जेक्ट हैं जूलॉजी के लिए वो कौन कौन से हैं जिनसे आपने एमएससी किया हुआ है, तो आप उसको फॉर्म फिल कर सकते हैं, वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए जो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है वो यही है कि आपकी एमएससी होनी चाहिए इन जितने भी सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में, और एमएससी में आपका 55% होना चाहिए, प्लस आपके पास नेट होना चाहिए, चाहे सीएसआईआर का हो चाहे आपके पास यूजीसी का हो, राइट। तो इनमें से किसी का भी आपके पास नेट होना चाहिए, और नेट जो सब्जेक्ट में होगा आपका वो, जैसे सपोज अगर आपने यूजीसी का दे रखा है तो आपके पास इन्वायरमेंटल साइंस का होगा, और अगर आपने सीएसआईआर का दे रखा है तो आपके पास लाइफ साइंस का होगा। तो वो दोनों में से कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ओके। और बाकी एग्ज़ाम जो होंगे ये इनके सेंटर आपको यहाँ पे दे रखे हैं, एग्ज़ाम के सेंटर इस तरीके से हैं, कुछ जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उस टाइम पे आपको दिया जाएगा। भोपाल में है, इंदौर में है, ग्वालियर में है, जबलपुर में है, सागर में है, उज्जैन में है, शहडोल में है, चंबल में है, रीवा में है और नर्मदापुरम में है। तो ये टोटल 10 एग्ज़ाम सेंटर्स पे आपके इनके एग्ज़ाम कराए जाएंगे। तो इन एग्ज़ाम को सेंटर पे जब आपका फॉर्म फिल होगा तो उससे आपके मांगा जाएगा प्रायोरिटी के फॉर्म में, तो आपने जो भी आपके नियर बाई में है आप उसको कोई भी फॉर्म कोई भी सेंटर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से इस फॉर्म का कुछ डिटेल ऐसे ही था जो कि अभी आपने देखा कि बेसिकली क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इसके लिए इंपॉर्टेंट। तो आपने यहाँ पे देखा कि मध्य प्रदेश का जो फॉर्म है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो आपका स्टार्टिंग मींस एमपीपीएससी के थ्रू जो एपी का फॉर्म आया हुआ है जूलॉजी के लिए, उसके लिए स्टार्टिंग डेट क्या है, स्टार्ट डेट क्या है आपका, दैट इज 12 अप्रैल 2023, और आपका एंड डेट क्या होगा, दैट इज 11 मई 2023, राइट। और बाकी आप ऑनलाइन से फॉर्म फिल कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, दैट इज एमएससी होनी चाहिए, कितना 55% के साथ, प्लस आपके पास नेट भी होना चाहिए, नेट आपका या तो सीएसआईआर का हो सकता है और या तो फिर आपका यूजीसी का हो सकता है, यूजीसी में होगा तो आपका इन्वायरमेंटल साइंस में, ईवीएस में, और अगर ये होगा तो आपका लाइफ साइंस में एलएस। तो इस तरीके का क्राइटेरिया अगर आपके पास फिट हो जाता है तो आप एमपीपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं और बाकी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, ओके। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।